क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेन देन से किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा नहीं प्राप्त हो सकता। समर्थन के मामले में support@coindcx.com पर संपर्क करें। सुना है 1 जुलाई 2022 से क्रिप्टो एसेट्स के सेल ट्रांजेक्शन पर 1% TDS पे करना पड़ेगा। डोंट बी वरीड, क्योंकि आज हम आपके TDS से रिलेटेड हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है विनय तिवारी एंड आई हेड फाइनेंस एट CoinDCX। आज हम डिस्कस करेंगे TDS एंड हाउ इट विल बी अप्लाइड टू द क्रिप्टो स्पेस। तो भाई ये TDS है क्या? TDS स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग TDS का कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इनकम के सोर्स से ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाए। 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर ने आम बजट 2022 में मेंशन किया था कि हर क्रिप्टो एसेट की सेल पर 1% TDS मैंडेटरी होगा, वैलिड फ्रॉम 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। ये TDS आपके सेल वैल्यू से कट करी जाएगी इंस्टेड ऑफ आपके प्रॉफिट से। लेट्स टेक अप अ नॉन क्रिप्टो एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर। सपोज ABC लिमिटेड को 40,000 रुपए की प्रोफेशनल फीस देनी है टू मिस्टर XYZ। इन सच अ केस ABC लिमिटेड पहले ही 1% TDS यानी 400 रुपए डिडक्ट कर लेगा और मिस्टर XYZ को एक नेट पेमेंट ऑफ 39,600 प्रोवाइड की जाएगी। ABC लिमिटेड इस 400 के टैक्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्रेडिट कर देगा। अब हम TDS को समझते हैं क्रिप्टो एग्जाम्पल से। सपोज आपने 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था बिटकॉइन यानी BTC में और सेलिंग के टाइम इट्स वैल्यू हैज बिकम 4,500। यहाँ पे आपका प्रॉफिट है 500 रुपए। TDS ऑफ 1% आपकी सेल वैल्यू से डिडक्ट की जाएगी, तो 4,500 का 1% हुआ 45 रुपए। ये डिडक्ट होगा जब आप अपनी BTC सेल करोगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट 500 रुपए है, आपको उसके ऊपर 30% क्रिप्टो टैक्स पे करना होगा। ये पे करना किसी क्रिप्टो एक्सचेंज की नहीं बल्कि आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ऑल्सो आपके TDS डिडक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके CoinDCX रजिस्टर्ड ईमेल ID पर प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारे ऐप से भी अपने TDS स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको बेसिक्स तो क्लियर हो ही गए होंगे, सो लेट्स जंप टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अराउंड TDS। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या TDS की वजह से CoinDCX पर KYC मैंडेटरी है? यस, सभी यूजर्स के लिए KYC मैंडेटरी है लेटेस्ट बाय 1 जुलाई 2022, ताकि आप क्रिप्टो स्मूथली बाय और सेल कर सकें। क्या TDS विड्रॉ पे लगेगा या हार्ड रेट पे? जब भी आप किसी क्रिप्टो एसेट्स की सेल करोगे उस पे 1% TDS लगेगा। फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन वी ऑलवेज रेकमेंड यू टू गेट इन टच विथ योर CA और फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या TDS हर ट्रांजेक्शन पर एप्लीकेबल होगा, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, डिपॉजिट एंड विड्रॉल? TDS सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आप क्रिप्टो एसेट्स सेल करोगे। डिपॉजिट, विड्रॉल या परचेज ऑफ क्रिप्टो एसेट्स पर TDS नहीं लगेगा। मुझे अपने TDS डिडक्शन कहाँ शो किए जाएंगे? अपने क्रिप्टो को बेचने से पहले आप TDS डिडक्शन देख सकते हैं आई बटन से, जो सेल ऑर्डर स्क्रीन के साइड में। ऑर्डर डिटेल पेज पर अपने ट्रांजेक्शन से कट किए जा रहे TDS को देख सकते हैं। इंडिविजुअल ऑर्डर पर TDS देखने के लिए CoinDCX के ऑर्डर टैब पर जाकर उस ऑर्डर को सेलेक्ट कीजिए जिसके डिडक्शन आप देखना चाहते हैं। क्या TDS एप्लीकेबल होगा CoinDCX के CIP, अर्न एंड रेफरल फीचर्स पर भी? नहीं, TDS is not applicable on CIP, earn और referral, क्योंकि आप CIP और earn के केस में क्रिप्टो परचेज कर रहे हैं, not sell। और आप referral में तो अपने फ्रेंड को क्रिप्टो परचेज में हेल्प कर रहे हो। सो तीनों केसेस में क्रिप्टो की परचेज है एंड हैंस TDS is not applicable। पर हाँ, जब भी ये परचेज किए गए क्रिप्टो आप सेल करोगे अंडर CIP, earn और referral, उस पर 1% TDS लगेगा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस उनके लिए हैं जो ट्रेडर हैं और CoinDCX प्रो यूज करते हैं। क्रिप्टो पेयर्स में ट्रेड करते हुए TDS कैसे डिडक्ट होगा? TDS लिया जाएगा क्रिप्टो एसेट्स के सेल पर। इस केस में क्रिप्टो एसेट्स दोनों बायर एंड सेलर के एंड से सेल की जाएगी और 1% TDS भी कट होगा सेल वैल्यू ऑफ क्रिप्टो एसेट्स बीइंग ट्रांसफर्ड बाय बायर एंड सेलर बोथ। C2C पेयर के लिए स्पॉट बाय पे TDS कैसे डिडक्ट होगा? 1% TDS डिडक्ट किया जाएगा ऑन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर ने BTC USDT में ट्रांजेक्ट किया और 1 BTC बाई किया जिसकी प्राइस है 40,000 USDT। हम यूजर से 1% TDS उसके USDT पर कट करेंगे, विच इन दिस केस इज 400 USDT, अलॉन्ग विद द यूजुअल ट्रांजेक्शन फीस। फीस और TDS दोनों ही ट्रांजेक्शन वैल्यू पर एप्लीकेबल होगा। स्पॉट सेल INR पेयर के लिए भी ऐसे ही TDS कंप्यूट किया जाएगा। How will TDS be computed in case of margin lock?
इस केस में TDS डिडक्ट होगी ओवरऑल एक्चुअल ट्रांजेक्शन से, विच शैल ऑल्सो इंक्लूड द लेवरेज। सपोज आपने 1 BTC खरीदा है एट अ प्राइस ऑफ 40,000 USDT और आपका लेवरेज है 10x। ऑल्दो आपकी रिक्वायर्ड मार्जिन 4,000 USDT की है, पर क्योंकि आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन 40,000 USDT का है, TDS भी 40,000 USDT पर ही कट किया जाएगा। इस केस में आपका TDS होगा 400 USDT along with the usual transaction fees। क्या TDS skip किया जा सकता है? As a citizen of the country, आपकी responsibility है कि आप compliant तरीके से अपने investment करें। CoinDCX आपकी पूरी help करेगा। So please don't try any such method which is not compliant with our current crypto laws. These were some of the basic and frequently asked questions around TDS. अगर आपको अभी भी कोई भी doubt है तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछें, ताकि हमारी टीम आपके हर TDS रिलेटेड इशू को एड्रेस कर पाए। प्लीज रिमेम्बर, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ये क्रिप्टो TDS वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए बनाया गया है। टीम CoinDCX विल ऑलवेज बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्रिप्टो रिलेटेड डाउट्स, एंड यू शुड ऑल्सो कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और CA फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। अंटिल देन हैव अ हैप्पी एंड कंप्लायंट इन्वेस्टिंग। सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू। क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेनदेन से किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा नहीं प्राप्त हो सकता। समर्थन के मामले में support@coindcx.com पर संपर्क करें।